100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है। जयंत चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ सौंपी गई है, ये बयान है जयंत चौधरी का। आखिर कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जयंत चौधरी, ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने रविवार 9 जून को शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा सोमवार को कर दिया गया। देश की सियासत का सबसे बड़ा गढ़ कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा सांसद मंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी 3.0 में इस बार यूपी से एनडीए के कुल 10 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी के कैबिनेट में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होने के बाद जयंत चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जयंत चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी मंत्रालय के अधिकारी मुझे जानकारी देंगे। मुझे बेहद खुशी है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ सौंपी गई है। देश को विकसित भारत का लक्ष्य जो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। 29 वर्ष के भारत के सपने को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ मुझे काम करना है। आगे कहा कि मैं अगर स्किल की बात करूं तो उसकी आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं। प्रधानमंत्री को लंबा अनुभव है, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। देश को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश की हमेशा भूमिका रही है। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। शायद इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है और ये खास मंत्रालय है क्योंकि स्किल की मैं बात करूँ, उसका एप्लीकेशन जीवन के हर क्षेत्र में, स्किलिंग, रीस्किलिंग, बल्कि एजुकेशन से जो बहुत बुनियाद होती है इंसान की, जहाँ स्थापित होती है, वहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप के हम विकसित कर देंगे तभी वो एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका अदा कर पाए। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं। देश के हर वर्ग को साथ ले जाने की शक्ति उनके अंदर है, सामर्थ्य है और इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। सर, मंत्रालयों में एक ये कहें कि यूपी का दबदबा रहा है और फिर यूपी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया, जिस तरह से नतीजे जब आए तो सर एक प्रतिक्रिया। यूपी बड़ा प्रदेश है और देश के लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है, प्रधानमंत्री यूपी के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस नाते देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की देश को आगे ले जाने में हमेशा भूमिका रही है। राजनीतिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में रही है, आगे भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।